हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि चेक। तो आज हम लोग बात करेंगे एक कन्नड़ मूवी जिसका नाम है पॉपकॉर्न मंकी टाइगर। ये मूवी बहुत से लोगों ने मुझे रिकमेंड किए थे कि भाई इस फिल्म को जाके जरूर देखना। और आप यूट्यूब पे देखोगे तो इस फिल्म को जो ट्रेलर है, उस फिल्म के ट्रेलर को कुछ ज्यादा व्यूज नहीं मिले, तो मुझे लगा था यार, मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, फिल्म देखने से पहले मैंने इस फिल्म का ट्रेलर तक नहीं देखा। लेकिन खैर, जो काफी जो मेरे व्यूवर्स हैं उन लोगों ने कहा, तो मैंने इस फिल्म को देखने गया। और ये फिल्म देखने के बाद वर्ड्स नहीं बताने के लिए, एक ऐसी मूवी जो आने वाले कल में एक कल्ट मूवी मानी जाएगी कनाडा सिनेमा की। हालांकि ये एक एडल्ट मूवी है, एज सर्टिफिकेट मिला है इस मूवी को, लेकिन यार ये मूवी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस फिल्म में जो डायरेक्टर है सूरी सर, उन्होंने इतना लाजवाब डायरेक्ट किया है। और इस फिल्म की जो राइटिंग है, ओ हो शानदार। मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक आप लोगों को ये समझ नहीं पाएगा कि एंड इसका होगा क्या। और इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब का एक अलग अलग इस मूवी में इम्पोर्टेंट रोल है। और ये एक डार्क मूवी है, मैं कहूंगा आपसे अगर आपको डार्क मूवीज देखना पसंद है और आप स्पेशली एक ऐसी अलग एक्सपीरियंस करना है, तो कुछ सिनेमा का एक अलग चीज देखने आते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए। क्योंकि देखिए, ये फिल्म को एक बार देखोगे तो समझ में नहीं आएगी, और एक बार देखने से इस फिल्म से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। एटलीस्ट 2-3 बार तो इस फिल्म को देखना ही पड़ेगा। और मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं आपको कि अगर आप कन्नड़ा लैंग्वेज नहीं भी समझ में आती तो भी आप इसे थिएटर्स में आके देखिए, सबटाइटल आपको मिल जाएगा, तो ये फिल्म आपको समझ में आ जाएगी। और इस फिल्म में जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो धनंजय सर का हो या निवेदिता मैडम का हो, भाई बहुत जबरदस्त है। पर उसके अलावा दूसरे भी एक्टर्स का काम अच्छा है, ऐसा नहीं कि खराब है, लेकिन मैं पर्सनली इन दोनों की एक्टिंग से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। मतलब मुझे बहुत मजा आ गई यार देखने के लिए। इस फिल्म यार एक अलग ही आपको दुनिया में लेके चली जाती है फिल्म। और भाई, जहां पर आपको वायलेंस, सही क्या है गलत क्या है, ये सोच के आप लोग मतलब एकदम वो हो जाओगे, मतलब एक झिंझोर देगी आपको अंदर से फिल्म। अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर दो जो कैरेक्टर्स हैं जो मेरे हिसाब से मेन है उनके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा इस फिल्म में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करें निवेदिता जी का, जिसने यहाँ पर रोल प्ले किया स्मिता, या तो फिर आप कह सकते पॉपकॉर्न देवी। वो पॉपकॉर्न बेचती है और वो किसी वजह से जेल में चले जाती है और उनकी वहां पर एक बेटी पैदा होती है। उसके बाद जेल की जो उनकी सजा है वो पूरी होने वाली है, वो जेल से बाहर निकलती है, तब उनके जो पैसे होते हैं वो और उनकी बेटी किडनैप हो जाती है। खैर, अब यहां पर मैं आपको रोकता हूं, यहां पर मैं आपको बताता हूं धनंजय सर का, जिसने यहां पर रोल प्ले किया टाइगर सिन्हा उर्फ मंकी सिन्हा का। वो एक मैकेनिक है और उनकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद उनकी जो वाइफ होती है वो उनको एक वेल सेटल मैन के लिए छोड़ के चले आती है। अब वो काफी परेशान, काफी अजीब से हो जाते हैं। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आता जब इन दोनों की मुलाकात होती है, पॉपकॉर्न देवी और मंकी सिन्हा की। उसके बाद ये दोनों मिलके क्या बवाल मचाते हैं भाई। ये फिल्म अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा जितने भी छोटे बड़े जो किरदार है वो सबका इम्पोर्टेंट रोल है, और सभी ने बहुत ही एक जस्टिफाई किया इस फिल्म को। ये फिल्म सही मामले में मैं बोलूं तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट क्राइम मूवीज है, वन ऑफ द बेस्ट ऐसी मूवीज है यार कि जो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं आज बताने के लिए, सीरियसली। और मैं बैक टू बैक जो KFI की फिल्में देख रहा हूँ, तो मैं उनका फैन बनते जा रहा हूँ। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब फिल्मों को जो एक लार्जर ऑडियंस है वो नहीं देख पा रही है। अब उसके पीछे की वजह क्या है, लैंग्वेज है या लैक ऑफ पब्लिसिटी है या लोगों की जो माउथ पब्लिसिटी वो कम है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये सब चीजें डिजर्व करती है एक लार्जर ऑडियंस, और सबको मिलना चाहिए। और अरहान एंटरटेनमेंट के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, जब ये वीडियो वायरल होगा, जब सब तक ये रिव्यूज पहुंचेंगे, तो सबको पता चल जाएगा वाकई में ये फिल्म में वो बात है जो सबको देखनी चाहिए। मैं यहाँ पर इस फिल्म के बारे में ज्यादा नहीं बता रहा, क्योंकि वो बताऊंगा तो उस फिल्म का जो मजा खराब हो जाएगा। इस फिल्म में एक रिवर्स टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जो कुछ सीन्स पे बहुत अच्छी लगती है, कुछ सीन्स पे थोड़े से ओवर लगती है, लेकिन फिर भी एक अलग एक्सपीरियंस देती है फिल्म में। और एक ऐसी इंडस्ट्री से आप ये सब चीजें देख रहे हो जो मतलब काफी ऑडियंस को पता भी नहीं इस इंडस्ट्री के बारे में, और एक इंडस्ट्री इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दे रही है कि मतलब आप आज वर्ड्स नहीं लोगों के पास इस तरह की फिल्मों को बताने के लिए। और स्पेशली KFI का टाइम आ चुका है, और KFI अब एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री बन रही है सामने जो मतलब काफी जो ऑडियंस है जो बॉलीवुड की फिल्में देखती है या दूसरी इंडस्ट्रीज की फिल्में देखती है, वो अट्रैक्ट होगी, डेफिनेटली होगी KFI के थ्रू। की KFI की जो आने वाली फिल्में हैं, या तो फिर ये फिल्म की बात करो, सभी में पोटेंशियल है, और ये डिजर्व करती है आपके पैसे। अगर 150-200-250 रुपए अगर आप टिकट के दे रहे हो, तो फिल्म में वो बात है कि जब आप बाहर निकलोगे तो आप उससे निराश नहीं होगे। मैं आपको इतना बोल रहा, अगर आपको अरहान एंटरटेनमेंट पे यकीन है, अगर आप लोग मेरे वीडियोज देखते हो और मेरे वीडियोज देखते के बाद अगर आप फिल्में या सीरीज देखते हो और तब आपको लगता है कि हाँ इसने बहुत सही बताया था, तो आप ये फिल्म को जरूर देखो। लैंग्वेज के बारे में भूल जाओ, लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन है तो हमारी इंडियन लैंग्वेज ना, तो बस सबटाइटल के थ्रू आप लोग फिल्म को समझ सकते हो। और
बस एक मास्टरपीस है जिसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो बस आज जाओ टिकट बुक करो और इस फिल्म को देखो, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। चल जाए दुआ में याद रखना, मैं हूँ राशि शेख, बाय।